नमस्कार मेरे छात्रों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वुगली स्टूडियो में। यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ग्रेट टू लव यू हियर। आई एम अशोक साहू एंड टुडे आई एम थ्रिल्ड टू प्रेजेंट अ ब्रांड न्यू वीडियो दैट आई नो यू आर गोइंग टू लव, माई डियर स्टूडेंट। बट बिफोर वी डाइव इनटू इट, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग और टर्निंग ऑन द notification bell so you never miss any of our exciting updates. And to all my returning viewer, thank you so much for your continuous support and love, guys. That's amazing class. तो मेरे छात्रों, आज जो मैं आपको बात समझाने वाला हूँ, आज हम स्टार्ट करेंगे CVS सिस्टम का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लेक्चर नंबर आज हमारा होगा 18। मेरे छात्रों, इससे पहले 17 क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसके इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लें। वुगली ऐप के अंदर जो लोग जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पाए हैं, वो ना लें। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है मेरे छात्रों, उसकी कॉस्ट आती है और उसमें खर्चा होता है। लेकिन मेरा बड़प्पन है कि आप लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है और सब लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो जिसको ठीक लगता है वो ले, नहीं लगता है तो डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगता है, जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा ही करते चले। दूसरी बात, अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई जो है वो टारगेट पीआर वगैरह ये सब करते आ रहे हैं, तो मेरे छात्रों आप करते रहें अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कमांड आपको मेडिकल सर्जिकल पे बनाना है, ऑप्स पीडिया वगैरह इन सब से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऑप्स पीडिया या सेक्रेटरी इन पे कमांड बना करके और हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम आएगा हमें पता है लगभग 120 क्वेश्चन, 110 से 120 क्वेश्चन आपके मेड सर्च के होते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर हो सके तो अपनी मेडिकल सर्जिकल सुधारो और जब जाकर के कुछ संभव हो पाएगा। अदरवाइज अपन सिर्फ टारगेट पीआर और अपने बेसिक जो नोट्स हैं उन पे डिपेंड रहेंगे ना, तो हमारे साथ धोखा हो जाएगा। और एक दिन हम लोगों के पास जब एग्जाम आएगा तो हम लोग बेटा उसको अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब क्लास। जस्ट वॉच दिस सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो चलिएगा, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 611 क्या कह रहा है, आपको सबको पता है ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने लिया हुआ है और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। पूरा एक सिस्टम बना दिया मैंने आप लोगों का कि सब सॉन्डर्स को सोल्व करने का एक जरिया आप लोगों को मिला वुगली के माध्यम से, और इस जरिए से ऐसा होगा कि आपकी सॉन्डर्स जो है जाने अनजाने में बिना मेहनत के पूरी हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं और सॉन्डर्स का हर किसी को फोबिया होता है, तो वो फोबिया निकालना मेरा मकसद है। अगली बात मैं आपसे कहूं तो दोस्तों, आपकी नॉलेज, आपके कंसेप्ट वगैरह सुधरेंगे इससे, धीरे धीरे आपके अंदर एक चेंज आएगा, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। क्यों आने लग जाएगा? क्योंकि जब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो हमारे अंदर काफी सुधार आता है और उस सुधार से हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अब हम जॉब लग जाएंगे। लेकिन मेरे छात्रों, जॉब लगना इतना आसान नहीं है आज के कंपटीशन के दौर में, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको अपनी एडिशनल जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको भी थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, थोड़ी लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछे जाते हैं और अगर लेवल का पेपर आ जाता है तो हमारी वहां पे शिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अभी पिछले नॉर्सेट का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आ जाएगा बहुत जल्दी ही, तो सबको ये भी पता चल जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, और फिर वो वापस से अपनी आगे की तैयारी में जुड़ जाएगा। तो चलिएगा, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 11, ये सॉन्डर के 8th एडिशन का क्वेश्चन है। देखिएगा, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अ क्लाइंट हैविंग द फ्रीक्वेंट प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका पेशेंट जो है पीवीसीज हो रहे हैं, इसको प्री मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं। द नर्स शुड प्लेस प्रायोरिटी ऑन द असेसमेंट ऑफ विच आइटम, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक नर्स को किस चीज पर बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी के साथ में ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना।
सवाल बड़ा सिंपल है, पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सब एक प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन का पेशेंट है और इसको बार बार फ्रिक्वेंटली प्री मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं। आप एक नर्स हैं और आपको प्रायोरिटी असेसमेंट के तौर पे किस आइटम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा। पहला दिया है कॉजेटिव फैक्टर जैसे कि कैफीन, सेंसेशन ऑफ द फ्लटरिंग और पाल्पेशन, फ्लटरिंग और पाल्पेशन सेंसेशन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, और प्रेसिपिटेटिंग द फैक्टर सच इज द इन्फेक्शन। मेरे छात्रों यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको ये पहले तो समझना होगा कि प्री मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन क्या होते हैं, जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम कहें बेटा ये वेंट्रिकल है और ये एट्रिया है, अब एट्रिया वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं तो अच्छा कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो रहा है, यानी कि पेशेंट का पल्स जो है वो भी ठीक आ रहा है, हार्ट रेट भी ठीक आएगा, बीपी भी ठीक आएगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ठीक आएगा। तो सुनो, यानी कि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या मेंटेन होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से मैंने आपसे कहा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से उस क्लाइंट का हार्ट रेट सही कॉन्ट्रैक्शन अगर है तो, यानी कि मैच्योर, इफ मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन है तो उसका हार्ट रेट भी ठीक आएगा, उसका पल्स भी ठीक आएगा, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक आएगा और उसका सेचुरेशन भी ठीक आएगा, SO2 भी, सेचुरेशन भी ठीक आएगा, यानी O2 सेचुरेशन भी ठीक आने वाला है। ये सब चीजें उसकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कहूं कि जब ये कब होगा, जब हमारा हार्ट 1 मिनट में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 बार ही कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है। तो अगर इस रिदम में कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है तो वो सारे कॉन्ट्रेक्शन मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन कहलाते हैं। लेकिन ध्यान देना बात को, अगर मैं सपोज ये आपसे कहूं कि हार्ट जो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है उसमें से हर 2-3 कॉन्ट्रेक्शन के बाद एक कॉन्ट्रेक्शन जो है वो स्किप हो जाता है या फिर प्री मैच्योर होता है। जैसे हार्ट का पहला कॉन्ट्रेक्शन देखो, ये पूरा फुल कॉन्ट्रेक्शन है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कॉन्ट्रेक्शन एकदम झपकी मार गया सिर्फ। अरे क्या हो गया, झपकी मार गया भाई साहब। झपकी का समझते हो ना मतलब ऐसे बिल्कुल, बस में आप चल रहे हो, गाड़ी पे चल रहे हो, आप कार चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो या क्लास में बैठे। बहुत सारे ऐसे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं जो रात भर पढ़ के आते हैं ना, जैसे ऑफलाइन के अंदर ज्यादा होता है ऐसा, रात भर पढ़ के आते हैं और क्लास में बैठे बैठे जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसे झांकते रहते हैं, मतलब आके फाड़ के क्यों झांकते रहते हैं। जैसे मेरे को लगता है कि भाई साहब ये तो क्रैक करेगा पक्का नोट सेट को, जब मैं इधर पढ़ा के फिर इधर झांकता हूँ ना, मैंने कहा भाई तू सो क्या यार, झपकी मारते रहते हैं। तो बेटा ऐसे ही हार्ट भी अगर झपकी मार रहा है ना, तो हार्ट का झपकी मारना क्या हो जाएगा, ये प्री मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन। अब प्री मैच्योर हो गया, जैसे ये पूरा एक तो फुल कॉन्ट्रेक्शन था, ये बढ़िया मैच्योर, अब ये प्री मैच्योर हो गया, तो प्री मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन से होगा ये कि कार्डियक आउटपुट उसका घट जाएगा। क्या घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट यदि डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, पीवीसी में ये सारे वाइटल जो है ना, उसका बीपी ये भी घट जाएगा। छात्रों यहां पर हो सकता है हार्ट रेट और पल्स अफेक्ट ना हो, हार्ट रेट एंड पल्स ये दोनों अफेक्ट नहीं होगा, बीपी घट जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन घट जाएगा। तो ब्लड का सर्कुलेशन घटते ही मेरे दोस्तों इसका सेचुरेशन भी घट जाएगा, SpO2 भी घट जाएगा, ठीक है, ये भी घट जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो हमारे को थर्ड ऑप्शन में कह रखा है ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ये सबसे पहले असेस करना आपकी प्रायोरिटी होगी, तो ये दोनों ही आपको प्रायोरिटी में असेस करना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया, मुस्कान, नरेंद्र, अरे यहाँ कंपेंसेटेड मत घुसेड़े बेटा, कहाँ पढ़ के आया, कौन सा कंपेंसेटेड, यहाँ कोई कंपेंसेटेड की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को जो मैं समझा रहा हूं कि भाई साहब ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, समझ लेना, क्रिस्टल क्लियर है ना।
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला सवाल करो, 612। द क्लाइंट हैज डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन, इसको एट्रिया का फिब्रिलेशन हो गया भाई साहब, क्या करें हम? वेंट्रिकुलर रेट 150 आ रही है, वेंट्रिकुलर रेट 150 आ रहा है पर मिनट। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि वीटी हो गया इसको, और इससे पहले क्या था इसे? इसे एट्रिया का फिब्रिलेशन हो गया है, फिब्रिलेशन। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। लिसन केयरफुली, ये ह्यूमन हार्ट है और ये इसका एट्रिया है, और आप ये जानते हैं एट्रिया में कंटिन्यू ब्लड आता है। ओके, इधर से आता है लंग से, और ब्लड आता है तो यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल है और यहाँ बाइकस्पिड वॉल है, यानी कि मिट्रल वॉल है। अब ये ब्लड जब एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन करेंगे ना, तो एट्रिया जैसे पहले हार्ट के अंदर 105 ml ब्लड इकट्ठा हो जाता है वेंट्रिकल में, तभी तो हम वेंट्रिकल्स को बेली ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेली ऑफ हार्ट। तो बेली ऑफ हार्ट का क्या मतलब है? यहाँ वीनस रिटर्न जितना भी एट्रिया में आता है, ये वीनस रिटर्न धीरे 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 कंटिन्यू वेंट्रिकल्स में इकट्ठा होता रहता है, और लगभग 105 ml इकट्ठा हो जाता है, तब एकदम अचानक से एट्रियाज का सिस्टोल होता है बेटा। क्या होता है? सिस्टोल। और सिस्टोल से 25 ml ब्लड इनके अंदर और मिक्स हो जाता है, और इस तरीके से कुल यानी कि 130 ml ब्लड यहां पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो जाता है। इतनी बात, ये एनक्लेक्स में नहीं मिलेंगे जो मैं समझा रहा हूं। एनक्लेक्स में, सॉन्डर्स में कुछ और ही लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ आपको समझ के बाहर होगा वो सब, ठीक है ना? मैं जो समझा रहा हूं, मतलब यूं मत समझना कि सर तो सॉन्डर्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हम ही कर लेंगे। अरे किस किस के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं वो तो हम ही सोल्व कर लेंगे, किस किस के दिमाग में आ रहा है? ऐसी गलत फहमी तो नहीं है ना किसी को भी? मतलब जो मैं समझा रहा हूँ ना वो बहुत अलग समझा रहा हूँ, और बहुत लॉजिकल वे में आपको समझा रहा हूँ जो सॉन्डर्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, वरना अभिमान भी बहुत जल्दी आ जाता है नर्सेस के अंदर, नर्सिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर ईगो आ जाता है भाई साहब, कूट कूट के भरा होता है, अभिमान आ जाता है कि अरे वी आर, हम तो बहुत शानदार है, हम तो तैयारी करके 30 मार्क का हो गए। तो बेटा 30 मार्क का नहीं बनना है, जमीन पे रहना है और अच्छे से लर्न करना है और पढ़ाई करना है, ठीक है ना? और जो सर कह रहे हैं उस बात को फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 25 ml ब्लड और आ जाता है, तो टोटल 130 ml हो जाता है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ये 130 ml किसकी वैल्यू आ गई? तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपका आ गया बेटा 130 ml, ठीक है भाई साहब। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेंगे यानी कि वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा। अब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो कार्डियक आउटपुट इजेक्ट होगा, तो क्या इजेक्ट होगा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट यूजुअली कितना इजेक्ट हुआ? 70 ml, इतना इजेक्ट हुआ। ये तो बात की मैंने बिल्कुल नॉर्मल हार्ट की। अब मैं ये कहूं आपसे, अब समझना काम की बात को, यदि मैं आपसे ये कहूं कि एट्रिया में फिब्रिलेशन हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है एट्रिया का फिब्रिलेशन हो रहा है, और वेंट्रिकल की रेट जो है वो तेज हो रही है, ऐसे चल रहा है वेंट्रिकल, और एट्रिया जो है वो तो भाई साहब वाइब्रेट हो गए, होगा क्या? एक बार सोच के तो देखो, एट्रिया वाइब्रेट हो गए मतलब कुछ प्रेशर ही कॉज नहीं कर रहे, प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्त दिक्कत क्या आएगी? ये जो 25 ml आता था ना, अब ये नहीं आएगा, और 25 ml नहीं आएगा, और वेंट्रिकल 150 से चल रहे हैं, तो वेंट्रिकल भी ऐसे चल रहा है तो क्या दिक्कत करेगा? अरे कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। क्या घट जाएगा? तो प्रॉपर पंप नहीं करेंगे ना ब्लड को, अंडरस्टैंड? तो प्रॉपर पंप नहीं करेंगे ना, और ये 25 ml भी नहीं आ पाएगा प्रॉपर, पीछे इकट्ठा होने लग जाएगा, इधर हार्ट में पीछे इकट्ठा होने लग जाएगा, और ये 25 ml ब्लड जो है वो हार्ट में वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो दिक्कत क्या आ जाएगी बेटा? ओवरऑल
सारा कंक्लूजन निकालने के बाद पेशेंट का कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आप क्या ये बात समझते हो क्या, अगर किसी भी क्लाइंट का कार्डियक आउटपुट घट जाए तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है? कार्डियक आउटपुट घट जाने से मेरे साथियों इसका एक तो बीपी कम हो जाएगा, जैसे सिनकॉप है, सिनकॉप यानी कि टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और आपको पता है कि जैसे ही कार्डियक आउटपुट घटेगा तो CO घटते ही SpO2 भी घट जाएगा, यानी कि ब्लड सप्लाई घट गया। अब ब्लड सप्लाई यदि अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉपर नहीं जाएगा, तो प्रॉपर नर्वस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाने के कारण नर्वस जो है ना वो नर्वस हो जाता है। मतलब टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, फेंटिंग हो जाना। जैसे कभी कभी तुमने देखा हो तो गर्मियों में पूरे क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा चक्कर खा के गिर जाता है। चक्कर खा के गिर जाए तो उसको खुली हवा में ले जाओ, थोड़े पानी के छींटे विटे मारो और वो होश में आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकदम सफोगेशन की वजह से उसका सैचुरेशन कम हो गया था ब्रेन का, और ब्रेन का सैचुरेशन कम होते ही सबसे पहले कुछ समय के लिए टेम्परेरी हमारा एकदम कॉन्शियसनेस चला जाएगा, और इसे हम कहते हैं बेटा सिनकॉप। तो सिनकॉप तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। दूसरा, डिजीनेस भी हो जाएगा। जैसे क्लास में बहुत सारे क्लास में बैठे बैठे करते रहते ना, फिर इधर साहब से मैंने कहा बेटा समझ में आया? हाँ सर आया। हाँ सर, ऐसे करके कर देना। हाँ सर आ गया। मैंने क्या आ गया सर? आ गया समझ में? मैंने क्या समझ में आ गया सर? वही जो आप समझा रहे हो। मैं क्या समझा रहा हूँ मैं कि सर यही ये लिखा हुआ है ना कार्डियक आउटपुट, यही। मैंने कहा चल ठीक है, सो जा। तो ये डिजीनेस भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और क्या होगा बेटा? तो कार्डियक आउटपुट और जो फिब्रिलेशन और टैकीकार्डिया का पेशेंट है, एट्रिया में फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल में टैकीकार्डिया, तो पाल्पिटेशन होगा। क्या होगा? पाल्पिटेशन। हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपो होगा, ना कि हाइपर, ठीक है। फ्लैट नेक वेंस, नेक वेन फ्लैट नहीं होगी, नेक वेन जो है बेटा फूल जाएंगी, प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ओके। तो इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नेक वेन फ्लैट नहीं होगी, फूल जाएंगी, यानी कि डिस्टेंडेड हो जाएगी, ओके, डिस्टेंडेड, ना कि फ्लैट। क्रिस्टल क्लियर है? तो सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1, 2 और 3। एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 613 सॉन्डर्स 8th एडिशन का, CVS प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 613। नर्स वॉचिंग, आप देख रहे हो, टीवी नहीं देख रहे हो, आप कार्डियक मॉनिटर देख रहे हो। क्या देख रहे हो? कार्डियक मॉनिटर, टीवी नहीं देखना है। और क्लाइंट रिदम सडनली चेंज, और देखा आपने कि पेशेंट का रिदम जो है वो अचानक बदल गया, और उसमें अब क्या देखा? नो पी वेव, इंस्टेड देयर आर फिब्रिलेटरी वेव, इंस्टेड देयर आर फिब्रिलेटरी वेव बिफोर ईच QRS कॉम्प्लेक्स, हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट द क्लाइंट्स हार्ट रिदम। आप इस रिदम को कैसे समझोगे, क्या समझोगे आप, क्या समझ में आया आपको, और कैसे आप लोग आंसर बता रहे हो? क्या आपको समझ में आया या तुक्का मार रहे हो? तुक्का नहीं मारना है भाई साहब, ये सॉन्डर से या तुक्केबाजी या गैस नहीं चलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं है तो आंसर मत लगाना, रटना भी संभव नहीं है, तुम रट रुटा के चले जाओ एग्जाम के अंदर। तो मेरे छात्रों यहां पर बात को समझो पहले, एट्रियल फिब्रिलेशन का पहले ECG समझो आप, ECG क्या होता है और कैसे होता है। क्या ये डायग्राम सबको आता है कि नहीं आता है? इसका नाम है PQR जो सबसे बड़ी है, ये S और ये T। मैंने कई बार आपको सिखाया ये बात कि इस पी वेव की वजह से, ये पी वेव बनता है बेटा एट्रिया में सिस्टॉल के कारण, और ये QRS बनता है वेंट्रिकल में सिस्टॉल के कारण, और ये टी वेव बनता है वेंट्रिकल में डायस्टॉल के कारण। पहले तो तीनों बातें क्लियर हो गई होगी सब लोगों की,
ईसीजी आखिरकार बनता कैसे है और क्यों बनता है। पहले हार्ट में दो तरह के चैम्बर है, ऊपर के चैम्बर्स का नाम एट्रिया, नीचे के चैम्बर्स का नाम वेंट्रिकल, यानी सुपीरियर एट्रिया है, इंफीरियर वेंट्रिकल है। एट्रियाज में जब कॉन्ट्रेक्शन होते हैं तो ब्लड का 25 ml वेंट्रिकल में जाता है। कितना जाता है? 25 ml। एट्रिया में जब सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, तो उससे ईसीजी में पी वेव बना। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो उससे ईसीजी में क्यूआरएस बना। जब वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ तो ईसीजी में टी वेव बना। अब समझो, आ जाओ काम की बात पे, पॉइंट पॉइंट पे आ जाओ वापस। हमने कहा कि साहब ईसीजी के अंदर क्या हो रहा है, आपको पता है कि इसके कार्डिया, आप नर्सिंग ऑफिसर हैं भाई, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर हैं आप, कार्डियक मॉनिटर देख रहे हो, एक क्लाइंट की रिदम आपने देखी कि सडनली चेंज हो गई, और चेंज में क्या हुआ कि पी वेव तो बिल्कुल एब्सेंट हो गई। पी वेव एब्सेंट, और पी वेव एब्सेंट के बाद इंस्टेड देयर आर फिब्रिलेटरी वेव बिफोर ईच क्यूआरएस, और यहां पर मेरे छात्रों हो चुका है फिब्रिलेशन। ये फिब्रिलेशन क्या हो चुका है? फिब्रिलेशन हो चुका है और क्यूआरएस के पहले, और पी वेव तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो आप इसको कैसे समझोगे? हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट द क्लाइंट हार्ट रिदम? आप इसको कैसे समझोगे, क्या समझोगे? तो मेरे छात्रों, यहां पर आपको ये समझना होगा कि सर, बड़ा सिंपल सा जवाब आएगा, कुछ भी ज्ञान नहीं पेलना है यहां पर। अंडरस्टैंड? हाइपोटेंशन तो पहले ही तो क्यों डिस्टेंडेड होगी सर? अरे भाई साहब, एम्स लगा रखा है नाम में, लेकिन एम्स एम्स क्यों लगा रखा है, मैं इससे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। फिर आप बात को समझ नहीं पा रहे हो, हाइपोटेंशन तो पहले ही तो क्यों डिस्टेंडेड होगी सर? डिस्टेंडेड क्यों होगी, इतना सा ज्ञान नहीं है क्या? ये बात बोल रहा है। अच्छा, तुम लोग बोलो तो इस क्वेश्चन को छोड़ूं पहले और वहां चलूं, या पहले इसका आंसर निकाल दूं फिर चलूं? सही तो यही रहेगा, वरना फिर कहानी गानी पड़ेगी, इतनी सारी सुनानी पड़ेगी, तो तुम लोगों को तो समझ में आएगा नहीं। मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी वापस से सारी चीजें समझाने में। तो मैं पहले इसका आंसर बता दूं भैया, ताकि थोड़ा तो काम कम होएगा, और फिर उधर पहुंचूंगा, अभी जो एम्स वाले भाई साहब जो कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सुनो। मैंने कहा कि यहां पर ये फिब्रिलेशन, क्यूआरएस के पहले फिब्रिलेशन हो गया, तो नाम पूछ रहा है, आप क्या बताओगे? साइनस टेकिकार्डिया तो हो नहीं रहा, वेंट्रिकल तो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, क्योंकि ये देखो क्यूआरएस तो कह रहा है कि क्यूआरएस तो बढ़िया बन रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वेंट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वेंट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यस और नो? और हार्ट रेट यहाँ पर बढ़ नहीं रही है, तो साइनस टेकिकार्डिया तो होगा नहीं, तो बचा क्या? एट्रिया की रेट में फिब्रिलेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एट्रियल फिब्रिलेशन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बता दो जरा आप एक बार, पहले मुझे ये बता दो, अगर पी वेव नहीं बन रहा है और कह रहा है, का साफ साफ क्वेश्चन ने आंसर दे रखा है, देखो आप, नो पी वेव, इंस्टेड देयर आर फिब्रिलेटरी वेव बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हर एक क्यूआर, बस तुम्हें तो इतना ज्ञान होना चाहिए था, बस इतनी सी जानकारी वो सुनना चाहता था तुम लोगों से, तो कि तुम्हें ये पता होता कि ईसीजी बनता कैसे है। पी क्यू आर एस और टी। पी वेव जो बनता है वो एट्रिया के सिस्टॉल से बनता है, क्यूआरएस वेंट्रिकल के सिस्टॉल से, और टी वेव वेंट्रिकल के डायस्टॉल से। बस इतनी सी गणित तुमसे पूछी जा रही थी। तो सुन लो, यहां पर क्या कहा उसने कि पी वेव बिल्कुल एब्सेंट हो गया, पी वेव एब्सेंट हो गया, ऐसा कहा पहले तो उसने। फिर कहा बिफोर ईच क्यूआरएस, क्यूआरएस क्या मिल रहा है? फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन
फिब्रिलेशन मिल रहा है, ये दो फाइंडिंग्स आपसे कहा जा रहा है, ये दो फाइंडिंग है। तो देख लो, बना दो ईसीजी में, ये पी वेव एब्सेंट कर दो बिल्कुल, और यहाँ पर फिब्रिलेशन हो गया ये। तो भाई साहब इसको क्या बोलोगे अब आप? इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाएगा। तो आंसर आ गया होगा आई थिंक सबका, ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ मैं, एम्स वाले भाई साहब कहाँ गए, भाग गए क्या? अरे भाग गए के कहाँ चले गए भाई साहब, एक बार दर्शन दो आपके, आप कुछ पूछ रहे थे, बताना पड़ेगा। नर्सिंग को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो ली है, बताना तो पड़ेगा ही सही। अब भाग गया हो तो क्यों बताओ फिर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, उनको डाउट ही नहीं है, भाग भुगा गए हो तो। आंसर सुनना है सर, वो तो यही होंगे। अरे कहाँ है यहाँ पर मुस्कान, मेरा भी आंसर रोंग हो गया है। ठीक है, अरे उनको बुलाओ ना। एम्स वाली आईडी, अरे ऐसे ऐसे मत बोलो। चलो मैं तो बता देता हूँ, मैं तो अपना कर्म कर लेता हूँ, जो वो पूछ रहे थे वो मैं समझ गया बात, क्या पूछ रहे थे वो। अब वो आए कि नहीं आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन हो गया आपके, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन दे दिया हमारी, इतनी मिन्नतों के बाद तो भगवान मिल जाते मुझे अब तक तो। सुन लो अब, ये भाई साहब यहाँ की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना आप, कि सर हाइपोटेंशन हो गया तो ये डिस्टेंडेड कैसे होगा, यही पूछ रहे थे ना आप। जल्दी से मेरे साथ एक्टिव हो जाओ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते जाओ। एम्स वाले भाई साहब फटाफट, आपका डाउट क्लियर करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं मैं। तो सुन लो अब, आप यही कह रहे थे ना कि साहब ऐसा ऐसा हो गया तो यहाँ पे हाइपोटेंशन हो गया, जैसे मैंने यूं कहा था कि साहब एट्रिया का तो फिब्रिलेशन हो रहा है इस क्वेश्चन में, और वेंट्रिकल का टैकीकार्डिया हो रहा है। तो एट्रिया का फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल का टैकीकार्डिया, ये एट्रिया, एट्रिया का फिब्रिलेशन मतलब ये इधर से, ये एट्रिया तो ऐसे 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 कर रहे हैं, और ये टैकीकार्डिया खटखटखटखट, तो इससे क्या हो गया, फिब्रिलेशन हो जाने से जो ये प्रेशर लगता था ना, 25 ml ब्लड नीचे आता था ना वेंट्रिकल्स में, अब ये नहीं आएगा। ठीक, दूसरा वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया हो गया, अब पहले वेंट्रिकल बढ़िया पंप कर रहे थे, टैकीकार्डिया होने से पंपिंग जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट घट गया, यहां तक की कहानी तो सबको। अब कार्डियक आउटपुट घट गया तो SpO2 भी घट जाएगा, अब SpO2 घट गया तो इसको सिंकोप, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, कम हो गया तो ये आंसर तो ये आ गया 1, 2, 3। अब हमारा सवाल ये था, तो कार्डियक आउटपुट घटते हाइपोटेंशन हो गया। अब हाइपोटेंशन होते ही हमने कहा कि जो इसकी फ्लेट नेक वेन, इसमें कहा फ्लेट नेक वेन, नेक वेन फ्लेट नहीं होगी, डिस्टेंडेड होगी। अब समझो कैसे होगी, ये भाई साहब यही तो बात सुनना चाह रहे थे कि कैसे होगी, तो हम समझा देते हैं, उत्तरदायित्व है हमारा, क्योंकि नर्सिंग में हम लोगों को ईश्वर ने हमें नर्सिंग में पैदा होने का वरदान दिया, और आप लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला। तो भाई साहब बताना तो पड़ेगा, आप क्या करें। सुनो, ये हार्ट है, इतनी बात तो समझ में आ गई, ये वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया। अब मेरे गजोदर यहाँ से ये एवोर्टा है, समझ में आ गया, एवोर्टा में कार्डियक आउटपुट यदि घटा, क्योंकि वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, और एट्रिया का फिब्रिलेशन है, समझना पूरी बात को। तो यहां से ब्लड जा रहा है तो कार्डियक आउटपुट घट गया, तो इधर क्या हो गया, हाइपोटेंशन। सिनेरियो को समझ लो अब, हाइपोटेंशन, बीपी घट गया। अब हुआ ये कि वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे हैं, अगर वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर सकते, द वेंट्रिकल इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग द इफेक्टिव फोर्स टू पंप द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, और सो द कार्डियक आउटपुट रिड्यूस्ड, द बीपी विल बी ऑल्सो रिड्यूस्ड, सो द क्लाइंट हैव सफरिंग विद द हाइपोटेंशन। तो मतलब ये समझो कि वेंट्रिकल ब्लड को पंप
नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है इससे क्या फर्क पड़ रहा, वेंट्रिकल नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, लेकिन आने वाला तो आएगा भाई साहब, आने वाला तो आएगा, आने वाला तो आएगा, 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 आएगा। कैसे आएगा? यहां से चला, यहां आ रहा है ब्लड कंटिन्यूसली इन्फीरियर वेना केवा से। अब ये यहां आया, यहां से फिब्रिलेशन हो रहा है, इसलिए ये पूरे भर गए ब्लड से, पूरा ब्लड भर गया यहाँ पर, और ये सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा से ही जुड़ी है, आपको पता है नेक वेन, नेक वेन का नाम होता है बेटा गजोदर जुगलर वेन। कौन सी वेन? जुगलर वेन। कौन सी वेन? जुगलर वेन। बात समझना ध्यान से, मैंने कहा आने वाला तो आएगा, वीनस रिटर्न तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ भर गया, ये पंप कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हो रहा है वीटी और यहाँ हो रहा है एएफ, एट्रिया का फिब्रिलेशन, ये ब्लड पंप नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इकट्ठा हुआ यहाँ, भर गया, भर गया, भर गया, अब कहाँ भरेगा? इसमें सुपीरियर वेना केवा में, और यहाँ भर के कहाँ भरेगा? यहाँ पर भरेगा, यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, तो क्या हो जाएगा? नेक वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा, जैसा कि, जैसा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या स्पेशली राइट वेंट्रिकल फेलियर में होता है। अब समझ में आ गया क्या भाई साहब? एक बार मुझे बता तो दो कि समझ में आ गया हो तो। यही पूछ रहे थे, हाइपोटेंशन हो रहा है तो नेक वेन का डिस्टेंशन कैसे होगा, ये सवाल था उनका भाई साहब का। कहां गए? जल्दी लिखो, फिर हम अगले सवाल पे पहुंचेंगे। अरे बुलाओ ना तुम्हारे साथी को भैया, कहां चले गए? एक तो टाइपिंग स्पीड बहुत कम है इनकी, टाइपिंग स्पीड बहुत कम है एक तो। पता नहीं, सो गए हो तो शायद, ठीक सुनो फिर अगला सवाल चलते हैं अपन तो। छे सौ चौदह करते हैं अब, है ना, तैयार हो? आगे आगे आगे। सर इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है क्या? पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है क्या? पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? राइट वेंट्रिकल फेल होता है ना, जब जो भी होता है ना वो सब होगा, जो राइट वेंट्रिकल फेल में होता है वो सब होगा, चाहे पेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइड्स, ठीक। चलो अब सुनो बात को, 614 करते हैं। नर्स असेसिंग अ डिफिब्रिलेटर क्लाइंट इन वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन। असिस्ट कर रहे हो आप यार, किसको असिस्ट कर रहे हो? Assisting to defibrillate a client. एक क्लाइंट को defibrillate करना है, अच्छा, ventricular fibrillation के patient को assist कर रहे हो आप, after placing the pad on the client chest. Chest पे आपने pad place कर दिए, और before discharge the device current, which intervention is the priority? वाह भाई साहब, question बड़ा जानदार है। मतलब देखो क्या पूछा आपसे, कि आप एक समझदार नर्सिंग ऑफिसर हो, ऐसी गलतफहमी है सॉन्डर्स को, क्या कहा? कि आप एक समझदार नर्सिंग ऑफिसर हो ऐसा कह रहा है, और आपने वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को आप असिस्ट कर रहे हो, ठीक, आपको फटाफट उसको एज सून एज डीफिब्रिलेट करना है। डीफिब्रिलेट करके करने के लिए तुमने जो इसके पैड है ना, हीटिंग इसके पैड डिफिब्रिलेटर के, वो दोनों चेस्ट पे लगा दिए। अब तुमसे ये कह रहा है कि आपने चेस्ट पे लगा दिए पैड, तो बताओ आप क्या कुछ चेक करना चाहोगे? कोई अंतिम इच्छा है? पता है ना सवाल क्या पूछ रहा है?
पेड़ रख दिए, बटन दबा दूं या कोई अंतिम इच्छा है अभी, बताओ। अरे बटन दबा दूं या कोई अंतिम इच्छा है? हाँ ऑप्शन देख लो, बटन दबा दें या कोई अंतिम इच्छा है? है क्या? अरे जवाब तो दो, शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? एक तो तुम लोग शर्माते बहुत हो, प्रॉपर जवाब नहीं देते हो, शर्माओ मत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेट द डिफिब्रिलेटर टू द सिंक्रोनाइज मोड। मेरे प्यारे गधों, जो ये जवाब दे रहा है, क्या तुमने डिफिब्रिलेटर जब शुरू में उठाया था, चेस्ट तक लाया था, जब क्या तुमने सिंक्रोनाइज मोड पे नहीं किया था इसको? ये तो शुरू में ही कर देना है आपको, ठीक है ना? एंश्योर दैट द क्लाइंट हैज बीन इंट्यूबेटेड। अरे ये कंफर्म करने की जरूरत थोड़ी है डिफिब्रिलेटर से। एडमिनिस्टर एन अमाइडर ऑन बोलस। नहीं भैया, कंफर्म दैट द रिदम इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पता चले तुम्हें इतना ही होश नहीं है कि पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ही है कि नहीं है। एक तो पता चले कि इसको सिर्फ वेंट्रिकल का टैकीकार्डिया है और तुमने लगा डाला इसके वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेटर तो तुम्हें मुर्गा बनाया जाएगा नहीं जाएगा वो वार्ड में ही। अरे बताओ, अगर मान लो पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का है और तुमने जरा उसके चिपका दिए रोड और डिफिब्रिलेट कर दिया, तो मुर्गा बनाने की हरकत की कि नहीं की? बनाना ही चाहिए नहीं चाहिए? बनता है ना? यस। अरे क्वेश्चन तो कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है वीएफए। लेकिन अभी तुम लोगों को क्या करना है, तुमने कंफर्म ये देख लिया कि फिब्रिलेशन ये डिफिब्रिलेट करेंगे। अब जब भी फाइनली करंट डिलीवर करेंगे ना, उससे पहले एक बार इसकी रिदम को कंफर्म करना होता है, क्योंकि दो ही कंडीशन में डीफैब किया जाता है बेटा। सुन लो आप ध्यान से, इधर यहां ध्यान दो, इधर डिफिब्रिलेशन दो ही कंडीशन में, पागल मत बनो। इधर ध्यान दो, एक तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है तब डीफेब करते हैं, या फिर वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होता है, और ये वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होना चाहिए पल्स लेस। ये दो कंडीशन में वेंट्रिकल का फिब्रिलेशन करना होता है, ठीक है ना? एक तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया और पल्स नहीं आ रहा है तब, और एक वेंट्रिकल का फिब्रिलेशन हो रहा है तब। दो केसेस में ही आपको डीफैब करना चाहिए। तो जब भी कभी आप बिल्कुल पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लिया सपोज करो आपने, और पोजीशन लेके चेस्ट पे इसके पैड वगैरह जो हैं वो अटैच कर दिए, लगा दिए, रख लिए, अब जब डिलीवर करोगे उससे पहले वेरीफाई करना है आपको, तब ही करंट डिलीवर करना है। तो यही तो क्वेश्चन सुनना चाहता था कि व्हाट यू विल डू। सर आई विल कंफर्म और वेरीफाई दैट द रिदम इज वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो अब आपको समझ में आया क्या सबको? सर डाटा सेव नहीं हो रहा है लास्ट क्लास का। कौन सा डाटा सेव नहीं हो रहा है बेटा? डाटा तो पूरा ही सेव कर रखा मैंने तो शुरू से ही। तुम भी यार एक तो ना पत्थर मारना शुरू कर देते हो तुरंत ही। कौन सा डाटा रह गया अब तुम्हारा? मैं तो पूरा डाटा डाल रहा हूँ वुगली ऐप में रोज, तुम्हारे चक्कर में तो रात को आधे घंटे और बैठता हूँ क्लास के बाद स्टूडियो में, यहाँ पे रात को 11:30 बजे, 11:15 पे तो क्लास से फ्री होता हूँ, फिर बैठता हूँ आधे घंटे, जब तुम्हारी पीडीएफ भी डालता हूँ, टेस्ट वेस्ट भी बनाता हूँ खुद अपने हाथों से। टेस्ट वेस्ट तुम में से आधे लोग दे रहे हैं, आधों को होश ही नहीं है टेस्ट कहाँ मिल रहे हैं पता ही नहीं है। अभी भी यही घूमते फिर रहे हैं कि सर 8वीं सोल्व करूं, 8 एडिशन के 9 एडिशन। अरे ये एडिशन चल रहा है, ये क्या झक थोड़ी मरा रहा हूं मैं यहाँ पे यार?
थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो यार, ठीक। और आपस में मदद और नहीं करते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि एक दूसरे को कोई भी समस्या आए तो कम से कम बता दिया करो यार, मदद कर लिया करो। पता नहीं तुम लोग बेहोशी में रहते हो, ऐसे ऐसे छुप छुपे रुस्तम रहते हो कि किसी को बता दोगे तो वो तुमसे ज्यादा नंबर ले आए शायद। अरे मदद करोगे जब ही मदद मिलेगी, मदद करोगे ही नहीं तो मदद की उम्मीद भी मत करो फिर किसी से। जब तुम ही किसी की मदद नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारी ईश्वर कहाँ से मदद करेगा? फिर तुम कहते हो अरे भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अबे तुम ये तो देखो कि तुमने कभी जीवन में किसी का भला भी किया कि नहीं किया। अगर किया होगा तो ईश्वर भी तुम्हारा भला करेगा। तो पहले भैया थोड़ा बहुत अपन को भी सुधरना पड़ेगा, तभी तो अपन दूसरे से उम्मीद करेंगे। गिव एंड टेक का जमाना है कि नहीं? समझ जाओ, अब समझदारों के लिए इशारा काफी है, ना समझो के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते। 615 करवा रहा हूं मैं तो, अब ठीक है ना? ध्यान दो इधर। क्लाइंट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का है, बढ़िया बात है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का है तो इज अबाउट टू बी डिफिब्रिलेटेड, इसको डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट दिस रिदम इफेक्टिवली द मोनोफेसिक डिफिब्रिलेटर मशीन शुड बी सीट एट विच एनर्जी लेवल इन द जूल फॉर द फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी में मेरे बच्चों कितना करंट आप डिलीवर करोगे? बहुत साधारण सा सवाल है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी रिपीटेटेड क्वेश्चन है। सिंगल में 400 360 जूल का करंट यूज होता है, 360 जूल, ठीक है ना? कोई भी बता देगा इसको, तो बेहोशी में जो पढ़ाई कर रहा है ना वो भी बता देगा। 616 करो तो फिर नर्स शुड इवेलुएट दैट डिफिब्रिलेशन ऑफ द क्लाइंट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इफ विच ऑब्जर्वेशन वॉज मेट। आपसे ये कह रहा हूं कि आप बताओ, नर्स है और शुड इवेलुएट दैट डिफिब्रिलेशन ऑफ अ क्लाइंट वॉज सक्सेसफुल। अगर किसी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के पेशेंट का अगर आपने डिफिब्रिलेशन करा तो मैं आपसे पूछने का हकदार हूं कि नहीं हूं? करके देखो तुम, डिफिब्रिलेशन कर लिया, अब तुम्हें ये भी तो होश होना चाहिए कि डिफिब्रिलेशन कर तो लिया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ उससे। अभी मैं टेस्ट लेता हूं तो क्यों लेता हूं? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बेहोशी में ही पढ़ाता रहूंगा और पता चला बच्चों के टेस्ट ही लेके नहीं देखे तो बस वो बेहोशी में ही चलता रहेगा सारा काम। टेस्ट लेके इसलिए देखना पड़ता है ताकि ये जो अपन पढ़ा रहे हैं देखें इसमें से कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं सीखे, ये या ऐसे ही धुप्पड़ पट्टी में चल रहा है तो होता है ना। ऐसे ही तुमने क्लाइंट का अगर डिफिब्रिलेशन किया, ये जानना जरूरी है कि इससे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या चेक करोगे जिससे पता चलेगा? अब बताओ जरा कि डिफिब्रिलेशन की सक्सेस को जांचने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? एरोसोल हो जाए, साइनस रिदम आ जाए, बीपी इतना आ जाए, हाँ? याद रखना, नॉन एरोसोल, साइनस रिदम बीपी, एरोसोल मार्क्ड ब्रेडीकार्डिया, नॉन एरोसोल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और बीपी इतना हो गया। सुनना, डी लग रहा है भाई साहब, नॉन एरोसोल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और बीपी इतना। सुनो ध्यान से, जब भी पहले सुनो आप, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो जाएगा तो क्या होगा? समझाओगे? तुम तैयार हो तो पहले तुम देख लो बढ़िया ढंग से, तुम लगा लो सारे आंसर पहले, फिर मैं समझा दूंगा जब तुम बोल दोगे। मैं खड़ा हूं चुपचाप से। अरे समझाओ, या आ गया तुम लोगों को? आ गया हो तो आंसर बता दूं और आगे बढ़ूं। आ गया? अरे आ गया क्या? आ गया हो तो आंसर बता दूं, तुम लोगों में से काफी सारे आंसर बता रहे हो। या समझाऊं रेशनल? रेशनल की जरूरत है क्या? आंसर आ गया, वैसे काफी लोग सही लगाने लगे, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, काफी लोग बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं।
सर आज बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इससे पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मेरा कंप्लीट हुआ है बैचलर। सर टेस्ट बस हार्ड लग रहे हैं सर। समझाइए समझाइए। अरे वाह भाई वाह भाई। देखो हमारे जो पिद्दे पिद्दे हैं ना, जो बैचलर वैचलर रेडी करके और अभी अभी अंडे में से बाहर निकल रहे हैं भाई साहब, वो भी अंडे भी अंडे में से जो चूजे निकल के आ रहे हैं ना, वो भी खिलखिलाने लग गए बुगली की क्लासेस पढ़ पढ़ के। भाई एक्साइटेड हो गया, अलग जोन में चले गए, एक्टिव मोड में आ गया ना मजा। वाह भाई साहब। हाँ चलो समझा देता हूँ। आप समझो, सबसे पहले समझो, आप इधर ध्यान दो सब लोग, आप ध्यान दो इधर। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है ना, तो पहली बात तो वेंट्रिकल का काम है बॉडी में ब्लड को पंप करना और कार्डियक आउटपुट मेंटेन करवाना और पूरी बॉडी की सेचुरेशन को मेंटेन करना, ये हार्ट का फंक्शन होता है। अब भाई साहब वेंट्रिकल में अगर रिदम जो है बहुत हाई हो जाए, फिब्रिलेशन करने लग जाए ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे। और वेंट्रिकल इतने ऐसे फास्ट हो गए कि मतलब पंप नहीं करेंगे, कोई कार्डियक आउटपुट नहीं होगा। यानी कि वेंट्रिकल के फिब्रिलेशन का पेशेंट कैसा हो जाएगा, पल्स लेस। कैसा हो जाएगा? पल्स लेस वीटी जैसा, ऐसा हो जाएगा। तो पल्स लेस वीटी जैसा का मतलब नो कार्डियक आउटपुट। नो कार्डियक आउटपुट का मतलब नो वाइटल, कोई वाइटल फाइटल इसके आएंगे भी नहीं। वाइटल नहीं आएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले तो इसको इसको बेटा नर्वस, सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव सिस्टम कौन सा है? नर्वस। दूसरा हीमोडायनामिक, हीमोडायनामिक सब एबनॉर्मल हो जाएगा। हीमोडायनामिक का मतलब बीपी हो गया, ये सब है ना ब्लड से रिलेटेड पैरा। नर्वस अफेक्ट हो गया मतलब बेहोश हो गया भाई साहब। क्या हो गया? बेहोशी आ गई, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोशी हो गया, फैंटिंग हो गया, सिनकोप हो गया। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब जैसे ही ऐसा होगा, ऐसा होते ही ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं पहुंचेगा बॉडी में। ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं पहुंचेगा तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, आरआर बढ़ेगी। और यहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब भाई साहब को क्या दिक्कत आएगी? अरे बॉडी में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा है, अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। पंप नहीं कर पा रहा तो CO2 एकुमुलेट होने लगेगा, होने लगेगा, होने CO2 एकुमुलेट होगा तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने लग जाएगा। क्या होगा? एसिडोसिस होगा बेटा। इससे क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रेस्पिरेशन जो है वो कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, आरआर बढ़ गया, ये सब हो गया और बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के साथ साथ हार्ट की जो रिदम है ये तो गड़बड़ हो ही रही है पहले से ही। अब मैं यहां पर कुछ बातें मार्क करूंगा, इस पे आप ध्यान दो इधर, सब अटेंशन करो एक बार। VF हो रहा है इसलिए रिदम बिल्कुल गड़बड़ है। नर्वस में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, SpO2 बिल्कुल घट गया है इसलिए बेहोशी आ गई। इसका हीमोडायनामिक यानी ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुका है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो गया है। अब ये सारी सिचुएशंस को रिसॉल्व करने का एकमात्र कंफर्मेटिव तरीका है डिफिब्रिलेशन। क्या है? डिफिब्रिलेशन। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि जस्ट नर्स शुड इवैल्यूएट द डिफिब्रिलेशन ऑफ अ क्लाइंट वाज मोस्ट सक्सेसफुल इफ विच ऑब्जर्वेशन वाज मैड। कौन से ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि जो डिफिब्रिलेशन किया गया वो बहुत सक्सेस गया है, काफी फायदा हुआ। अगर रिदम नॉर्मल हो जाए, अगर बीपी आ जाए, बेहोशी से होश में आ जाए, इसका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो जाए, इसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हो रहा है ये रिसॉल्व हो जाए तो समझ जाएंगे। देख लेते हैं ऑप्शन में। सबसे पहले ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में नॉन एरोसोल है, बेहोशी से होश में नहीं आया इसलिए इसको तो गलत कर दो आप। तीसरे ऑप्शन में बेहोशी से होश में तो आ गया, एरोसेवल तो हो गया, मार्क्ड ब्रेडीकार्डिया। अरे ब्रेडीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडीकार्डिया नहीं यार टैकीकार्डिया है, तो ये भी
गड़बड़ कर दी इसने सेकंड चॉइस में, नॉन एरोसोल यहाँ पे, तो ये तो गड़बड़ ही हो गया। पहले में देखो होश में आ गया, साइनस रिदम आ गई वापिस, वापिस ऐसे नोट से चलने लग गया, बीपी इसका 116 बेहतर हो गया, लगभग लगभग ठीक हो गया भाई साहब, नॉर्मल की कगार पे पहुंच चुका है। तो पहला ऑप्शन सही लगाना था आपको। अब बताओ इतना समझने की जरूरत पड़ती है एक क्वेश्चन में। एक तो जब तुम लोगों ने आंसर दिया था वो भी तुम लोगों ने देखा, अब आप कह देते मुझसे कि सर ठीक है आंसर आ गया बड़ो आ गए, तो मैं तो बढ़ जाता भैया सोल्व करवानी है अपन को तो करवा देंगे तुम बोलो तो, और आप बोलो तो ऐसे सोल्व करवा दें, और आप बोलो कि सर एक यूनिट करवा दिया करो आप तो रोज, तो एक क्या मैं तो दो करवा दूं, तुम लोग मेरे को बोलो तो सही एक बार करवाऊं एक दिन में एक यूनिट, अरे करवाऊं क्या एक दिन में एक यूनिट करवाऊं। आप लोग बोल दो अगर मेरे को कि सर एक दिन में एक यूनिट निपटा दो आप, तो लगभग लगभग 21 दिन में पूरी सोंडर्स खत्म। वर्मा जी, भाई साहब, नरेंद्र जी, ऐसे ही करवाऊं ना? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, तनख्वाह लूंगा आधी आधी सबसे नौकरी लगते ही। अरे नौकरी लगते ही बुगली में कितना कितना पैसा डोनेट करने वाले हो जरा एक बार ये भी बता दो मुझे लिखित में, ईमानदारी से बता दो। अब पीठ छुपा के भग मत जाना। पूरी ले लो सर एक साल का, तू आ जा भाई, तू फटाफट पहले कोर्ट आ जा, तेरे को नौकरी लगाना सबसे ज्यादा कंपलसरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डोनेशन कर रहा है, एक साल का बड़ा खिलाड़ी है ये, तू कोटा आ जा फटाफट, तेरी सख्त जरूरत है मुझे। सर डोनेट कर देंगे एक महीने की, कुछ तो ऐसे ऐसे हैं मतलब मक्खी चूस कंजूस जो यूं कह रहे एक महीने की कर देंगे, और कुछ तो टस से मस भी नहीं हो रहे कि पता नहीं सर एक तो पढ़ा रहे हैं तो हम तो कल से पढ़ने नहीं आएंगे सर, लेकिन पैसे नहीं देंगे, चमड़ी चली जाए सर पर दमड़ी ना जाए। होता है ना कि बढ़िया बढ़िया होता, बढ़िया बढ़िया का नेचर हो रहा है भाई साहब की, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा 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 देखता हूं, देखिए अगर जो कोई भूल गया तुम में से, ये ध्यान रखना अगर भूल गया ना तो शराब पड़ेंगे बेटा, ध्यान रखना अगर भूल गए ना सेलेक्ट होते ही, और जो तुमने अगर कॉल नहीं करा और इधर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा ना तो देखना तुम्हारे क्या होगा फिर, भूल मत जाना नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। अब तुमने प्रॉमिस तो कर लिया, सर मेरा क्वेश्चन किया एक, हाँ हाँ क्वेश्चन बोल क्या है। सीधे मुर्गा बना देना सर, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा बालराम, मुर्गा बना के पुट्ठे ही पुट्ठे पे दूंगा पीछे से, डंडे डंडे की डंडे डंडे पुट्ठे लाल कर देंगे पीछे, ग्लूटियल मसल है ना जहां पे इंजेक्शन ठुकवाते हो, तो सारी लाल कर दूंगा बढ़िया ठोक ठोक के। ठीक है चलो अब आगे आगे बढ़े, आप बहुत हो गया मजा। ठीक है सुनो, आप 617 करते हैं अपन। द नर्स इज इवैल्यूएटिंग अ क्लाइंट रेस्पॉन्स टू कार्डियो वर्जन। भाई साहब बहुत रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो आज तो तुम पेशेंट के, ऐसा क्या तुम ही हो रहे हो सारे बादशाह, बात बात में ये चेक करना चेक करना इवैल्यूएट करना, क्या ये लफड़ा। सर मैं सोच रहा हूं कि मेरे सिलेक्शन के बाद बुगली में जरूर आऊंगी, फिर झूठ बोला ना कोई तो मैं कह रहा हूं ना ग्लूटियल मसल तोड़ दूंगा तुम्हारी, जितने लोग वादा कर रहे हैं ना ये आ ही जाना,
हो जाएंगे नहीं तो नीचे, ठीक है, छाले पड़ जाएंगे, छाले नीचे, ध्यान रखना। इसलिए आ ही जाना तुम लोग, जॉब लगते ही लिस्ट में नाम आते ही, नॉर्थ सेट के रिजल्ट की लिस्ट में नाम आते ही, और उसके 2-3 दिन बाद ही पधार जाना यहाँ पे, मैं तो घर से उठवा लूंगा टीम भेज करके। मेरे पास 3-4 बाउंसर है, तीनों चारों बाउंसर्स को भेज दूंगा तुम्हारे पास, ये पकड़ के लाओ इसको, ये मुर्गे को, इसने कहा था कि सेलेक्ट होते आऊंगा, आया नहीं अभी तक, पकड़ा दूंगा घर से। सुनो, इवेल्युएट कर रहे हो क्लाइंट का रेस्पॉन्स टू कार्डियो वर्जन, कार्डियो वर्जन में के प्रति क्लाइंट का रेस्पॉन्स चेक करना है, विच असेसमेंट वुड द प्रायोरिटी, आपको बताना है कि कौन सा असेसमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कार्डियो वर्जन के केस में। क्या क्या चेक करना है कार्डियो वर्जन के केस में? दो डिवाइस होती है, कार्डियो वर्जन और डिफिब्रिलेटर, दोनों में डिफरेंस सुन लो, कार्डियो वर्जन और डिफिब्रिलेटर। बेटा डिफिब्रिलेटर जो है ये अनप्लान्ड प्रोसीजर है, डिसाइडेड नहीं है, लेकिन कार्डियो वर्जन प्लान्ड प्रोसीजर है रिदम को मेंटेन करवाने के लिए, ठीक है ना। तो कार्डियो वर्जन जब किसी को अपन करते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी उस पेशेंट का एयरवे बिल्कुल पेटेंट चेक करना, ये एबीसी ही यूज करना है यहां पर, ठीक। एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक, सेकंड नंबर ऑक्सीजन। तो मेरे छात्रों याद रखना, जब भी कार्डियो वर्जन करेंगे अगर उसका रिदम और उसका एयरवे बिल्कुल पेटेंट हो गया, देन यू अंडरस्टैंड द सक्सेसफुल असेसमेंट रिस्पॉन्स टू द कार्डियो वर्जन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला 618, नाउ स्केयरिंग हु हैज जस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल कार्डियो वर्जन डिफिब्रिलेटर, नाउ शुड असेस विच आइटम बेस्ट ऑन द प्रायोरिटी। सारे क्वेश्चन असेसमेंट के हैं इसके अंदर, फिर आपको पूछ रहा हूं कि सबसे प्रायोरिटी पे क्या चेक करोगे कार्डियो वर्जन डीफैब के बाद। कार्डियो वर्जन यदि डीफैब किसी क्लाइंट का करो तो क्या चेक करना चाहिए? ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा इंटरनल कार्डियो वर्जन डीफैब लगाया आपने, नर्स शुड असेस विच आइटम बेस्ट ऑन द प्रायोरिटी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एंजाइटी लेवल तो कोई ऐसी प्रायोरिटी है नहीं, एक्टिवेशन स्टेटस और सेटिंग ऑफ द डिवाइस। जब भी कभी इंटरनल कार्डियो वर्जन किसी में लगाओ, कार्डियो वर्जन डीफैब, तो लगा के और सबसे पहले कंफर्म कर लेना कि डिवाइस एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, उसके सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, ये सबसे खास बात रहेगी जब भी कभी इंटरनल डिवाइस हम किसी क्लाइंट को लगाएंगे। समझ गए ना बात? 619, क्लाइंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्ट्रिप शो द एट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 110 बीट पर मिनट, एट्रियल रेट और वेंट्रिकुलर रेट 110 आ रहा है भाई साहब, 100 से तो ज्यादा ही आ रहा है, पीआर इंटरवल 0.14 आ रहा है और क्यूआरएस 0.08 आ रहा है, द पीपी एंड आरआर इंटरवल रेगुलर है, हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस रिदम। ये अरिदमिया कौन सा अरिदमिया है? देखो ईसीजी में, ये ईसीजी और ये पी क्यू आर एस टी। अब आप जानते हो कि यहां से यहां तक हम कहते हैं पी क्यू या पी आर, और यहां से यहां तक हम कहते हैं क्यू टी, दो इंटरवेल हो गए ये। अब पी क्यू इंटरवेल जो होता है बेटा मैक्सिमम 0.2 होता है और क्यू टी इंटरवेल मैक्सिमम 0.4 सेकेंड होता है, ठीक। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि पी आर इंटरवेल तो 0.14 आ रहा है, पी आर इंटरवेल 0.14 आ रहा है और इसका पीपी और आर आर इंटरवेल रेगुलर आ रहा है, पीपी और आर आर
दोनों रेगुलर। अब दूसरा ईसीजी अगर ये बनेगा तो ये पी और ये आर, तो आर से आर के बीच का तो आर आर हो गया और पी से पी के बीच का पी पी हो गया। ये दोनों बिल्कुल रेगुलर हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और यहां पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.08, क्यूआरएस कितना रह गया बेटा 0.08। नॉर्मली क्यूआरएस 0.110 तक होता है, 0.1 तक, इतना तक रहता है नॉर्मली। तो बेटा ये ध्यान रखना, सभी तो नॉर्मल आ रहा है, बस हल्की सी हार्ट रेट ज्यादा बढ़ी हुई है। ईसीजी तो पूरा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, हार्ट रेट ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ इसका जवाब हो जाएगा साइनस टैकीकार्डिया, बाकी कुछ भी नहीं है। ब्रेडी तो है ही नहीं, डिसरिथमिया नहीं बोलना है, साइनस रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल साइनस रिदम होती जब 60 से लेकर के 100 के बिटवीन होता, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन वन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप, नर्स इज असेसिंग द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट हु टर्न टू द सर्जिकल नर्सिंग यूनिट 4 आवर एगो, अंडरगोइंग द एवोटो इलाइक बाईपास ग्राफ्ट, अफेक्टेड लेग इज वार्म एंड द नर्स नोट रेडनेस और एडिमा, द पेडल पल्स इज पाल्पेबल, हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट द क्लाइंट न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस। इस क्वेश्चन का जवाब आप सबको देना है और आपको इसका आंसर लिखना है, और डेफिनेटली इफ यू हैव एनी डाउट और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस लाइव सेशन। जस्ट दिस इज अ वेरी न्यू ब्रांड लाइव सेशन, और डियर स्टूडेंट कार्डियोवेस्कुलर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कभी कभी 10 कभी कभी 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ आपसे विदा चाहते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत मजाक मस्ती के साथ आज का क्लास हुआ है, कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करें वीडियो को और मुझे कमेंट लिख करके बताएं कि सर वाकई में मजा आ जाता है आपके साथ पढ़ करके, जैसा भी आपको महसूस होता है। अगर आनंद आ रहा है तो वाकई आनंद लिखें और मेरे को बच्चों बताएं आप। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से एंटरटेनिंग क्लासेस के साथ एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज और एंटरटेन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये छात्रों को काफी आगे बढ़ा देता है। तो चलिए भैया, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।